स्वागत है चंद्रशेखर आजाद जी आपका। और सवाल मैं आपके नाम से ही शुरू करता हूँ। आप ऐसा लगता है कि आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी के काबू में नहीं रहना चाहते, वश में नहीं रहना चाहते, और आप पर आरोप ये लगता है आप शोर बहुत ज़्यादा मचा रहे हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं, गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज़ाद तो भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को बनाया, और अगर हम संविधान में मिले अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। तो मैं अपने अधिकार जानता हूँ। तो बेसिकली ना, मेरा नाम चंद्रशेखर है, आज़ाद नहीं है। आज़ाद मैंने तब लगाया जब मैंने असली आज़ादी को फील किया। ये लोकतंत्र है, लेकिन आप समझिए कि मैं आप समझता हूँ ये झूठा है लोकतंत्र। क्या कोई बोल सकता है? बोलेगा तो मुकदमा लग जाएगा, हक की आवाज़ उठाने जाएगा तो लाठी बजेंगी, या और कुछ करेगा तो एनएसए लग जाएगी। तो मैंने झेली है। जब मैंने झेल ली तो मुझे एहसास हो गया कि ये झूठी आज़ादी जो है ना, सच्ची होनी चाहिए। तो अपने नाम के पीछे आज़ाद लगाया, और आज प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो जाएं जो इस आज़ादी को आम जनता के लिए भी तैयार करें। रही बात शोर बचाने की, तो समझिए विकास जी, मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और मैं शोर इसलिए बचाता हूँ क्योंकि सरकार गूंगी बहरी है। अगर ये सरकार अच्छी होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए हैं, 70 दिन हो गए लगभग उन्हें, आज तक तो उनकी बात नहीं सुनी। आंदोलन करने जाते हैं बीजेपी कार्यालय पर तो लाठी बजा देते हैं, बहनों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको पीटते हैं, चिन्हित कर करके लड़कों को पीट रहे हैं। तो आप समझिए मजबूरी है हल्ला मचाना। अगर ये सही काम करेगी ना सरकार, तो मैं भी जो है ना राजनीतिक काम करूंगा शालीनता से, लेकिन ये करने नहीं देती। रोज रेप, अच्छा हाथरस का कितना बड़ा प्रकरण हुआ, हल्ला मचा तभी तो न्याय मिला, वरना सरकार ने तो कहते रेप ही नहीं हुआ था। तो निकम्मी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मैं तो भगत सिंह को भी मानने वाला हूँ, तो इसलिए मैं हल्ला मचाता रहता हूँ कि सरकार सुनती रहे और तानाशाही ना करे। लेकिन ये कहा जाता है कि आप जब ज़्यादा शोर मचाते हैं तो जो लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ने चाहिए वो नहीं जुड़ पाते हैं, और यही वजह है क्या कि 2 से 3 साल हो गए आपको, आप लगातार अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, लेकिन जो पार्टी का आपका कद बढ़ना चाहिए था, जिस तरह से आपके कद का विस्तार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया? देखिए, ये तो इलेक्शन तय करता है। मैंने देखा कि मीडिया के लोग बताते हैं कि भाई आप छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, ये तय करते हैं जब इलेक्शन होता है उसमें कितनी सीटें आती हैं इस आधार पे, या कितना वोट पड़ता है। तो जब से हमने शुरू किया, हमने एक ही चुनाव लड़ा बिहार में, या फिर यूपी में एक उपचुनाव लड़ा था। यूपी में उपचुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन था, उससे ज़्यादा हमें वोट मिले और कांग्रेस से भी ज़्यादा वोट मिले। बिहार में हमें कहीं 7,000 कहीं 8,000, वो मेरी धरती भी नहीं है, मेरा काम भी नहीं है वहाँ। तो फिर भी मैं अगर थोड़ा बहुत जो वहाँ संगठन ने काम किया उसी के बेस पे वहाँ की जनता ने भी समर्थन दिया। तो हमारी शुरुआत, मैं समझता हूँ कि जब पहले कोई राजनीतिक दल तैयार हुआ होगा तो जब पहला चुनाव लड़ा होगा 500-700 वोट आते थे। हम वो दल हैं जिनको पहले चुनाव में 13,500 वोट मिली, वो 13,500 पिछले एक साल में हमने प्लस किया है। अब जब चुनाव आएगा वो रिजल्ट बता देगा कि मैं हल्ला मचाता हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, और यार जनता कितनी जुड़ रही है। मैं एक तो इस कम उम्र में और ऐसा अकेला व्यक्ति हूँगा जो कहीं भी किसी दलित पे, पिछड़े पे, आदिवासी पे, मुसलमान पे, कहीं भी कोई मुसीबत आती तो खड़ा रहता हूँ। अगर किसी भी बहन के साथ कोई जाति होती है, जुल्म होता है, तो खड़ा रहता हूँ। जब NCNPR NRC आया और कोई मुसलमानों को छू नहीं रहा था, डर रहे थे कि हमारा हिंदू वोट ना भाग जाए, तब मैं जामा मस्जिद पर खड़ा, 27 दिन जेल में रहा था। तो मैं नहीं डरता इन सब चीज़ों से। अगर आप बहुजन कह रहे हो तो दलित, पिछड़े हो, मुसलमानों की आवाज़ उठानी पड़ेगी, जब उनके अन्याय होगा लड़ना पड़ेगा। एक और बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत सीरियसली बात है। अभी दिल्ली की जंतर मंतर पे ना नारे लगे, ऐसे भड़काऊ नारे थे कि मैं उनका जिक्र भी नहीं कर सकता। इसमें बीजेपी कुछ नेता जेल में भी गए। आप ये सोचिए, अगर ये नारे मुसलमानों ने लगा दिए होते तो मैं समझ रहा हूँ कि उनके घर जो है ना तोड़ के सरकार और उनके परिवारों को भी जेल में बंद कर देती, 2 दिन बाद बेल होगी। तो सोचना पड़ रहा है कि कहाँ जा रहा है देश, भाईचारा कैसे टूट रहा है, कौन तोड़ रहा है, किसको किसका पार्टी का समर्थन है। इसलिए सर चीज़ें हो रही हैं। अब धीरे धीरे आप मेरा काम देखेंगे और विश्वास कीजिए कि आज़ाद समाज पार्टी 2022 में बड़ी ताकत बन के उभरेगी। आप लोग जो है सम्मानित करोगे मुझे, इसलिए कि एक नौजवान ने कर दिखाया जी। लेकिन चंद्रशेखर, आपने बोला अभी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, मुस्लिम, कहीं अन्याय होगा तो उनके साथ आप खड़े होंगे, आप सवर्णों को क्यों छोड़ देते हैं? मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, उनके पास बहुत दल हैं उनकी बात करने वाले। मैं तो, मुझे कई बार हंसी आती है कि अभी उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा था कि भाई ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, मेरी ब्राह्मणों से कोई नाराजगी नहीं, मगर मैं सोच रहा था कि जितना 5 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना
जितना ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ होगा उतना तो एक दिन में होता है दलितों पे, उनका जिक्र कोई नहीं करता। और कहां अत्याचार हो रहा है, आप देखो अभी उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है यहां, सारे डीएमएसएसपी उनके बैठे हुए हैं। आप देखिए देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप देख लीजिए कितने जज किस जाति के हैं। आप ये देखिए केंद्रीय सचिवालय में कौन बैठा हुआ है, आप कहीं भी देख लीजिए किसी भी उसमें, आप यूनिवर्सिटियों के चांसलर देख लीजिए कौन है। मैं कह रहा हूं सिस्टम में तो वो है, तो अत्याचार कौन कर रहा है भाई? डीएम उनका बैठा है, एसएसपी उनका बैठा है, तो उन पे कौन अत्याचार कर देगा? थानेदार उनका बैठा है, सीओ उनका बैठा है, अत्याचार तो हम पे हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं जिनको ज्यादा जरूरत है उनकी बात पहले कहनी पड़ेगी। अगर कोई स्वर्ण भाई और उसके साथ परेशानी हो मुझे याद करेगा तो सबसे पहले खड़ा मिलूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिनकी जिनको ज्यादा समस्या है उनकी बात पहले कहनी पड़ेगी। सोचे कोई भूखा है, एक आदमी पे 10 दिन का स्टोर है रोटी, एक आदमी पे वो भूखा है, तो पहले रोटी किसको दूं, जो भूखा है उसको या जिस पे 10 दिन का स्टोर है? तो मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं जिनको पहले ज्यादा दिक्कत है, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिनके नाम पे सरकार ने मोहरे तो तैयार कर दिए। अब माननीय राष्ट्रपति जी आए 4 दिन पे, देखिए क्या करवा रहे हैं, राष्ट्रपति जैसे गरिमा पद को भी अपमान करवा रहे हैं। एयरपोर्ट से और होटल तक आप समझिए 200 होल्डिंग देखे होंगे मैंने राष्ट्रपति जी के लगे हुए, स्वागत है स्वागत। किसका पैसा है वो? आप जनता का पैसा है वो, जो आप खर्च कर रहे हो प्रचार पे और कह रहे हो फिर बेच रहे हो सरकारी उपक्रम। तो हम सब समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है और जनता इसका जवाब 2022 में उत्तर प्रदेश में तो दे देगी भाई। लेकिन राष्ट्रपति तो अनुसूचित जाति से आते हैं, हालांकि राष्ट्रपति की जाति का नाम लेना नहीं चाहिए, अगर उनका सम्मान हो रहा है किसी भी तरह से, उनको उस समाज से निकल कर वो सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, तो इसके उनके होर्डिंग लगने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े लगे, बीजेपी अपने पैसों से लगाए, सरकारी पैसे से। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों लगा रही है? चलो मैं भी मान लूं कि राष्ट्रपति जी हमारी जाति के हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं बीजेपी का, उन्होंने बनाया, मगर बीजेपी की नहीं है, राष्ट्रपति तो देश के हैं। हाँ देश के हैं ना, मैं बता देता हूं, मंदिर में नहीं जा पाए थे अभी, और एक बार बोला, सिर्फ एक बार मात्र ये बोल दिया उन्होंने कि बनने के बाद कि बताइए सुप्रीम कोर्ट में कितने जने एससी एसटी के ओबीसी के, एक बार पूछ लिया था केंद्रीय सचिवालय में कितने पोस्ट उनकी, उसके बाद सवाल नहीं कर पाए। तो जब हमारा आदमी अगर हमारा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा ये कॉलेजियम तय करता है। क्यों करेगा कॉलेजियम तय? सुप्रीम कोर्ट संविधान में तो कोई वो नहीं है प्रारूप स्थिति का, ये तो यहां के लोगों ने बना दिया जो जज बैठे हुए हैं, कि कॉलेजियम कैसे तय कर देगा? जज का बेटा जज, जज का भतीजा जज, जज का जो है जमा जज, जज का भाई जज, ये क्या बात हुई? क्या और दलित पिछड़ों में मुसलमानों में प्रतिभा नहीं, आदिवासियों में? आप टेस्ट कराओ जैसे आईएएस का कराते ना, आईपीएस का कराते, ऐसे कराओ आप सिविल सर्विस की तरह टेस्ट। आपको पता है सरकार ने कोशिश की थी नया कानून बनाने की, पूरा सुप्रीम कोर्ट खिलाफ हो गया, फिर से कॉलेजियम व्यवस्था कायम कर दी। अब कॉलेजियम तय कर रहा है कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है खिलाफ होने वाला? हम देते हैं हमारी हमारी उस टैक्स से मिलती है तनख्वाह उनको, वो भी जनता के अंडरटेकिंग है। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक अदालत है वो जनता की, तो देश की जनता जब चाहती है तो वो क्यों मना कर देंगे? वो कौन होते हैं? उनको अपना खतरा महसूस हो रहा है। मैं आपको एक देखो एक मिसाल देता हूं, किसी ने 50,000 करोड़ का घोटाला किया और वो अपनी सेटिंग से 2,000 करोड़ रुपए किसी सम्मानित व्यक्ति के थ्रू ट्रांसफर करवा दिया, 48,000 करोड़ रुपए नकद बच रहे, ऑर्डर आ जाता है उसके फेवर में, जनता देख रही है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि बड़ा घोटाला जो है वहां से हो रहा है। सबकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं उनकी जांच होनी चाहिए संपत्ति की, कितनी संपत्ति कहां से आई और वो उसका क्या सोर्स है, तनख्वाह से अलग क्या कहां से कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जो इतनी संपत्ति आ गई है? हम करवाएंगे जब हमारा मौका मिलेगा, हम करवाएंगे। चंद्रशेखर जी जो भी आप टिप्पणी कर रहे हैं ये आपकी राय है, एबीपी न्यूज इसको इंडोर्स नहीं करता है क्योंकि कोर्ट की अपनी, कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने की अपनी सीमा है। मैं यहाँ पर अपनी बात स्थिति एबीपी न्यूज की तरफ से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। जनता की भी अपनी स्थिति है, बिल्कुल सबसे सवाल पूछेगी, सरकार से पूछेगी, सुप्रीम कोर्ट से पूछेगी, सबसे पूछेगी। जब जनता से पूछा जाता है ना, अगर जनता पे 2 रुपए फालतू होते हैं तो एकदम आ जाते हैं इनकम टैक्स वाले, और फिर वो सरकार के दबाव से भी आते हैं तो जनता पूछेगी। जनता को बताया जाए क्या इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों मुसलमानों अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों में काबिलियत नहीं कि उनका बेटा जज नहीं बन सकता। चंद्रशेखर जी वापस राजनीति की तरफ आते हैं जी, मायावती से आप अलग हुए, बीएसपी से आप अलग हुए, क्या जरूरत थी? आपका संघर्ष बढ़ गया, आप हो सकता था कि बीएसपी में रहते हुए ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे, विकास जी विधायक एमपी बन जाता, इससे ज्यादा कुछ नहीं बना सकते, लीडर नहीं बना सकते वो। मैं समझता हूं कि अलग होने का कारण जो है ना मैं नहीं हूं, उन्हीं लोगों ने अलग किया है। मैं तो कह रहा था कि मिलके जो है ना काम को करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे दलित की और समझदार व्यक्ति की वहां जरूरत नहीं है, वो काबिलियत को जो है ना पैसों से और परिवारवाद से तोड़ने लगे हैं, इसलिए जो है दिक्कत आ रही। मुझे उनसे कोई भेज नहीं है, वो अपना पार्टी चलाएं,
हम में तो काबिलियत है, तो हमने देश के अंदर लोगों को जोड़ के साबित किया है और पंचायत चुनाव रिजल्ट देकर साबित किया है कि हमें अवसर मिलने की देर है, जब हमें अवसर मिलेगा उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। तो उनकी पार्टी पीछे क्यों जा रही है अगर उनके अच्छे नेता हैं, अच्छे लोगों को लेना चाहते हैं? अब मुझे, मैंने तय किया कि चैलेंज लेना चाहिए। जैसे टाइम मैगजीन में मेरा नाम आया तो मुझे ये चैलेंज हुआ, लोग कह रहे थे, सम्मानित कर रहे थे, मगर मेरे लिए चैलेंज था कि जो वहाँ उन्होंने स्वीकार किया कि ये उभरते हुए नेता है, तो मैं उसको साबित भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने चैलेंज लिया कि उनके बगैर और बिना संसाधन के इस पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनानी, और अब बहुत सारे लोग तैयार कर दिए, हर प्रदेश में हर जिले में लोग हैं। अभी देखो यहाँ क्षेत्रीय दल है जिनकी सरकारें रही हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया, और यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी इतनी यूनिट है, सब जगह ज्ञापन दिलवाए, और लोग पिछड़े वर्ग के नेता बेचारे उनका भी धन्यवाद, वो तो टीवी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारा समर्थन है, या सदन में कह रहे हैं, और हम गांव गांव में जाकर कह रहे हैं कि ये करवाओ, पता लगना चाहिए किसका अधिकार किसने छीना है, सबकी होनी चाहिए, पिछड़ों की भी, दलितों की भी, अपर कास्ट के लोगों की भी, पता लग जाए कौन संसाधन पे काबिज है, कौन सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा है, कौन जो है और तमाम जगह से एमपी एमएलए ज्यादा बने हुए किसके। चंद्रशेखर, आप एक बात बताइए, आपकी बहुजन की परिभाषा क्या है? क्योंकि बीएसपी इस समय प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए वो ब्राह्मणों को अपने खेमे में खींचना चाहती है, पार्टी की तरफ लुभाना चाहती है। देखिए दो चीजें हैं, अब आप कहोगे सारी डिबेट वहीं चली जाएगी, हमारी वार्ता जो है ना उधर चली जाएगी, उनके लोग भी आनी है, मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूं? देखिए पहली बात जो है ना, बीएसपी सर्वजन पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, दोनों नारे चाहे बीजेपी का हो, सबका साथ सबका विकास और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, दोनों एक ही मतलब है। हमारा नारा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और मैं सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि ऐसा राज होना चाहिए जिसमें गैर बराबरी ना हो, अन्याय अत्याचार ना हो, चोरी ना हो, चकारी ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। तो मैं तो ऐसे राज कल्पना करता हूं जो बेगमपुरा राज हमारे गुरु जी कहते थे। मैं किसी से नफरत नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, मैं समझता हूं कि जिनकी बात नहीं हो रही, जिनको नकार दिया गया, जैसे युवाओं को नकार दिया गया देश की राजनीति से, कहते इनको पता नहीं है, लेकिन युवाओं ने साबित कर दिया कि उनको पता है, कोई आंदोलन हो कोई धरना हो, सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, और देश के जब वोट डालने जाते हैं तो भी युवा रहते हैं। तो इसलिए हमारी पॉलिटिक्स बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की है। लेकिन इस तरह से तो बहुजन के वोट का बंटवारा होगा आप और मायावती के बीच में, और इससे दूसरी पार्टियों को फायदा होगा, और इसलिए आप पर आरोप लगता है कि आप बीजेपी की भी टीम है। अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है ना, कौन आरोप लगाता क्या करता है इस चीज को तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन आपकी एक बात तो सही है कि बंटवारा होगा। बहुजन की 85% लोग होते हैं, बाकी बचते हैं 15% लोग, उनकी अपनी तीन तीन पार्टियां, उनका वोट तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन 85% लोग अगर दो पार्टियां बना के काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो उनका वोट बढ़ रहा है। हमें सब चीजों को ना समझना पड़ेगा। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करता हूं, इसमें 85% लोग आते हैं, अगर 85 में से 50 मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, 40 मुझे वोट देते हैं, तो हम सरकार बना लेते हैं, कैसे बंटवारा हो जाएगा? उनको मिलता 22-23% वोट। सबसे बड़ी बात यह है ना, मैं आपको एक चीज कहता हूं, एबीवी के चैनल इस पे बैठ के प्लेटफॉर्म पे, अब आप उनका देखिए, पहले उनके सिद्धांत थे, सिद्धांत पे वो कायम थे, अब उन्होंने सिद्धांत छोड़ दिए। जब आदमी अपनी मिट्टी छोड़ देता है, अपना वजूद छोड़ देता है ना, तो वो नीचे जाता है, अब वो नीचे जा रहे हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। उनके पास अच्छे अच्छे नेता आपके चैनल पे बैठे थे कुछ देर पहले, तो ये समय बताएगा कि जनता किसके साथ है, वोट कटेगा या बटेगा। एक वोट की वैल्यू होती है, लोकतंत्र है, एक वोट से अगर हारता सदन में नहीं घुस सकता, ये तो मानते हो ना? बिल्कुल। तो आप समझिए कि जनता अगर समर्थन कर रही है वो समर्थन बढ़ेगा भी। तो मैं ये समझता हूँ मेहनत का दौर है, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, लड़ेगा, जनता उसके साथ जाएगी। लेकिन अभी यही इसी मंच पर आपसे पहले सतीश मिश्रा बीएसपी के महासचिव आए थे, उन्होंने कहा कि जो भी कोई बीएसपी से निकला, जो भी कोई बीएसपी से अलग हुआ, वो मिट्टी में मिल गया। सही कह रहे हैं, नाश तो उन्होंने किया है, उन्होंने नाश किया इस मूवमेंट का, पूरी का नाश उन्होंने किया है। वो काशीराम साहब से बड़े नेता हो गए, काशीराम साहब अपने पूरे जीवन में कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और आप ये देखो, ये बीजेपी का नारा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, अब वो इस नारे क्यों लगा रहे हैं? जिस राम मंदिर को सारी जनता भूल गई, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास ऐसे समय पर हुआ, भूमि पूजन, जिस समय देश परेशान था, कोरोना काल चल रहा था, रोजगार नहीं था, महंगाई थी, इलाज नहीं हो रहा था, तमाम आदमी परेशान थे, घर में बंद थे, उसको सब भूल गए। मुसलमानों ने कहा भाई बना लो, खत्म करो, राड खत्म करो, हिंदुओं ने भी कहा कि भाई बनाओ, मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा, जिनको देगा उनको मिल जाएगा,
सतीश चंद मिश्रा जी वहां जाके कह रहे हैं अयोध्या कि हम राम मंदिर बनाए, ये उनके पीछे नहीं, मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा, किसे मिलेगा, जो पुजारी बनेगा निर्माण होगा, मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार, और उसके बाद वहाँ पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी, लोग वहाँ पर दर्शन करने आएंगे, वो फूलमाला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। तो तुम फिर हर गली में बना देना चाहिए, अगर इतना रोजगार इससे मिल जाएगा तो सरकार को आपको सलाह देनी चाहिए विकास जी कि हर जिले में बना दो, इतना रोजगार मिलेगा। मैं पूछ रहा हूँ इसमें दलित कहाँ है, पिछड़ा कहाँ है, ये क्या करेगा वहाँ, मेहनत मजदूरी करेगा, ईंटें उठाएगा, उसको तो पुजारी तो बन नहीं सकता, तो करेगा क्या वो वहाँ, वो जाएगा और घंटा बजाएगा। अब पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे यहाँ बैठे हैं, 69 शिक्षक भर्ती में, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया हुआ इन्होंने, वो सरकार ने बनाया, उनका ही सिफारिश है कि भाई भर्ती में घोटाला हुआ, फिर योगी जी क्यों नहीं करा रहे जाँच, और बच्चे अगर वो जाते लाठी मारते हैं, अभी नौजवान जो है ना लखनऊ में, अभी पता लगा मुझे उस पर बैठे हुए टंकी पर चढ़ के, ये वो सरकार है जो नौजवानों को टंकी पर चढ़ाती है। ये सरकार का जवाब नौजवान देगा, तैयार है, इलेक्शन आने दीजिए, इनके पास एक ही मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, ये प्रयास कर रहे हैं पूरे देश में ऐसी अभद्र अभद्र भाषाओं का प्रयोग और तमाम तरह से माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। मैं तो कहता हूँ आपके मंच से कि बहुजन समाज को सतर्क हो जाना चाहिए, उनका काम मंदिर जाना चलेगा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर कह गए, मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ऐसा उन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति के जो रास्ते हैं ना, आगे बढ़ने के रास्ते, वो स्कूल से खुलेंगे, मंदिर से नहीं खुलेंगे, तो मुझे तो बाबा साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैं अपने लोगों को मना कर रहा हूँ जी। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो हिंदुत्व के तोड़ने के आसपास घूम रहा है, हिंदुत्व टूटा तो अब किसी और की सरकार बनेगी, और हिंदुत्व रहा, हिंदू एकजुट रहा तो किसी और की सरकार बनेगी। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप हिंदुत्व को तोड़ रहे हैं, आप मुझे भी बता दो हिंदू कौन कौन लोग हैं, फिर बताऊंगा मैं अपनी बात, आप बस ये बता दो कि हिंदू कौन कौन है उत्तर प्रदेश में, एकदम बस सारा जवाब दूंगा मैं आपको, बताओ दलित हिंदू है, आप बताइए, आप बताएं, बताइए आप मुझे, दलित अगर हिंदू है तो फिर दलित क्यों लिखा जाता है कि दलित की बेटी के साथ ये, फिर हमें रोज आईना क्यों दिखाया जाता है, मुसलमान हिंदू है, चलो छोड़ो और बताता हूं मैं, अगर दलित हिंदू है तो दलितों पे अत्याचार के समय ये हिंदू संगठन कहां रहते हैं, अभी दिल्ली में 9 साल के बच्चे का रेप हुआ, कोई नहीं आया हिंदू संगठन, हाथरस वाले मामले में हिंदू संगठन के लोग पंचायतें कर रहे थे, भाई मुझसे, मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं साफ तौर पर, इस हिंदू जो धर्म ना अज्ञानी को और अज्ञानी बनाए, उसके अधिकार छीन ले, धन संचय करने का, आगे बढ़ने का, पढ़ने का, वो धर्म नहीं गुलामी है, ये जो है ना बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों पोतिजम एक्सेप्ट किया, इसलिए एक्सेप्ट किया कि वो चाहते थे कि इसकी पुनर्चना हो, इसमें बदलाव हो, भाईचारा बने, लेकिन लोग मानता कौन है भाईचारा, हमें तो रोज गाली दी जाती है कि आरक्षण वाले हैं, अगर कोई बच्चा देखिए मेडल लेके आया ना तो पहले उसकी जाति ढूंढते हैं, किसने बनाया ये, हमने थोड़े बनाया, ये विश्वास कीजिए कि समय बदलेगा, हम तोड़ नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि हिंदू अपनी वैल्यू भी समझ जाए कि उसकी वैल्यू क्या है, कि केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पर बैठेंगे इनके यहाँ, और सत्यन देव सिंह वो प्लास्टिक लकड़ी कुर्सी बैठेंगे, ये वैल्यू है हिंदुओं की यहाँ। मैं तो साफ बता रहा हूँ कि दलित पिछड़े सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत फायदा तो वहां ले सकते हैं, अगर मैं, इन्होंने इतने मंत्री बनाए अभी और बहुत प्रचार कर रहे हैं, एक पिछड़े वर्ग का मंत्री अपनी लीग से हटके पिछड़े वर्ग के लिए आवाज उठा दे तो मैं मान जाऊं कि वो समाज का कुछ भला कर देगा। चंद्रशेखर, अब मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूं। बताइए बताइए, मैं तैयार। अभी आप अपने आप को उत्तर प्रदेश में किस स्थिति में पाते हैं, किसके साथ गठबंधन करेंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कुछ खाका खींचा है आपने? पूरा खाका खींच लिया, 403 विधानसभाओं पे यूनिट तैयार हो गई 90%। अब एक काम जो है ना, जो मैंने अभी तक नहीं बताया था, मगर आपके बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, सारे दर्शकों को आपको पता लग जाए, हमारे वर्करों को भी। अब हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि हम हर जिले में 300 लोगों की यूनिट तैयार कर रहे हैं। वो यूनिट क्या करेगी, वो उसको 3 दिन ट्रेनिंग चलेगी उसकी, और 3 दिन ट्रेनिंग के बाद वो 5-5 लोगों की टीम बनेगी, 60 टीम बनेगी एक जिले में, और वो 1200-1100 हजार के करीब गांव हैं एक जिले में, वो 20-20 दिन आम जनता के बीच में रहेगी, रात को वहीं विश्राम करेगी और जनता को बताएगी कि सरकार ने क्या क्या दिया है। पहले तो रोजगार नहीं देते, अगर भर्ती निकालते हैं तो उसका पेपर लीक करा देते अपने लोगों से, अपने लोगों को भर्ती कराने के लिए, फिर अगर कुछ बचा कुचा बच जाता है तो आरक्षण घोटाला कर लेते हैं। नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? देखिए इसका फैसला ना हमारा नेतृत्व करेगा, मैं तो एक वर्कर हूं, मैं तो आजाद समाज पार्टी की जो टीम है, भीम आर्मी की टीम है, उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जो मुझे कहा जाता है मैं कह देता हूं। अभी उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है ना इतना बताओ जितना हमने आपको बताया,
तो मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। छोटे दलों को मिला के एक बड़ा गठबंधन खड़ा करने की कोई योजना है? मैंने क्या कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता छोटे दल आपकी परिभाषा में कौन कौन है। मैं समझ रहा हूँ कि जनता बड़ी है, जनता उत्तर प्रदेश में इस बार साबित कर देगी कि वो धर्म और सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों का मामला, मजदूरों का मामला, महिलाओं का मामला, जितने हत्याएं अभी देखिए गोरखपुर, मैं समय की कमी है, एक सेकंड बता दूं, एक मिनट में जरूर लूंगा ये। मैं गोरखपुर गया था, वहां अनीस कन्नौजा नाम के एक सरकारी कर्मचारी की हत्या हुई। दोष क्या था कि उसने अपर कास्ट की एक लड़की से शादी कर ली थी और सह सम्मान उसको घर में रख रहा था। योगी जी का क्षेत्र है ये, दलितों के देसी लोग, एक बार नहीं गया कोई वहां, एक बच्चे की और हत्या हुई। और कल ही मैंने पढ़ा कि एक आदमी के साथ जो है ना लूटपाट हो रही थी, उसकी बेटी वीडियो बना उसको गोली मार दी। तो मैं पूछा जो आदमी अपने जिले को नहीं सुधार सकता वो प्रदेश को क्या सुधार देगा? चलिए ये लंबी बहस है, इस पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद जुड़े थे, जिन्होंने अपना पूरा खाका रखा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो किस तरह से अकेले लड़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर जिले में उनकी टीम तैयार हो गई है, और खासतौर पर हिंदुत्व रहेगा या नहीं रहेगा, हिंदुत्व की परिभाषा क्या, तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन आ चलेगा।